वेलकम बैक गाइस, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग एकदम चटकता बढ़ता और एकदम यूनिक होने वाला है। यूनिक कैसे होगा आपको दिखाते हैं अभी आगे चल के। हम तो हम आए हुए हैं, जैसा कि आपको पता है, आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ जाते हैं, आप लोग काफी पढ़े लिखे और काफी इंटेलिजेंट है ना, इसलिए आप समझ जाते हैं। तो ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, मेरे साथ हैं राधा जी के बेटे सोनू जी। तो सोनू जी ने मैं यहाँ पर मिलने के लिए आया था, उन्होंने बताया आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सिबलिंग निकले हुए कितने पुराने हैं, ये भैया से पूछेंगे कि भैया वो सिबलिंग जो वहाँ पे निकले हुए अभी वहाँ पे लेके चलेंगे वो कितने पुराने हैं। वे भाई साहब बहुत कम से कम बरसों पुराने हैं। अच्छा, बरसों पुराने हैं, मतलब मेरे पिताजी के वो दादाजी थे उससे पहले के वो निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको हमको तो कोई ज्ञान ही नहीं यहाँ पे क्या था क्या पे नहीं था, वो ऑटोमेटिक ही अपनी भगवान की कृपा से निकलते हैं। अच्छा, तो आइए गाइस आपको लेके चलते हम वहाँ पर। सामने ये सामने है रास्ता, आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो गाइस, ये सबसे पहले जब सिबलिंग के पास जाएंगे तो उससे पहले यहाँ पे तालाब पड़ेगा, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं ये तालाब है। और आइए आपको चलते हैं लेके, थोड़ी सी डिस्टेंस तो थोड़ा सा दूरी रह गया है बस। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये छोटा सा एक टेम्पल है, लाइक मंदिर कह सकते हैं। और ये आपको पता है कि पीपल का पेड़ है और इसे बोलते हैं कि ब्रह्मदेव बाबा का इस पे वास होता है। तो सच्चे दिल से बोले ब्रह्मदेव बाबा की जय। तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एक अंकल जी यहाँ पर आए हुए हैं जो कि ब्रह्मदेव बाबा के यहाँ पर दिया जलाएंगे और जो भी उनके दिल में होगा थोड़ी सी मनोकामना मांगेंगे, ईश्वर से थोड़ी सी प्रे करेंगे। तो सर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके ओके ओके। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिबलिंग है, काफी पुराने हैं। और जैसा कि भैया अभी बता रहे थे हमें, अब थोड़ा सा और भैया से बात करेंगे जो कि ये राधा जी के गांव में ये हैं यहाँ पर। ये आप हल क्या है सारा कुछ आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, और भैया बता रहे कि पीछे भी सिबलिंग है उस साइड में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं, हालांकि आपको क्लोज करके दिखाते हैं, उस साइड एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है वहां पर। और उस साइड दिखाते हैं आपको, एक पीछे भी सिबलिंग है जैसा कि मैंने आपको उस साइड दिखाया प्रॉपर तरीके से, और एक पीछे भी बैक साइड आपको दिखाते हैं हम। तो गाइस, कमेंट में लिखें आप भोले बाबा की जय। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अंकल जी मुझे यहाँ पर मिले हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और पूछेंगे सिबलिंग का राज, शायद उन्हें पता हो कब ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे निकला। तो थोड़ी सी उनसे बातचीत करेंगे, शायद मे बी वो इस इन बातों को थोड़ा सा क्लियर कर पाए वो कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले अंकल जी, जय भोले की। जय भोले की, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल बिल्कुल, ओम नमः शिवाय। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं मिरु मड़ा के ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव गोविंद चतुर्वेदी है। अच्छा जी, तो प्लीज आप बताएं जो कि ये सिबलिंग है इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि थोड़ी सी इन्हें नॉलेज हो, जानकारी हो, अगर वो यहाँ पर आए विजिट करें तो कैसे आ पाएंगे, थोड़ा सा इनके बारे में बताएं सिबलिंग के बारे में प्लीज। सिबलिंग ये सब जैसी वर्षा होती है मिरु मड़ा में, हाँ हाँ, अधिक वर्षा होती है तो छोटे छोटे सिबलिंग निकलते हैं। कम से इस गांव में कम से 30-40 सिबलिंग है, और जब अधिक वर्षा होती है और सब भोले बाबा के यहाँ, जैसे आप मान गए हे भोले बाबा हमारा कोई काम सिद्ध हो जाए, कोई भागवत कराए दे, कोई कथा कराए देता है, ऐसा भी है। ये हमारे कम 250 साल पुरानी क्या आज, जब से हम पैदा हुए तब से हम देख रहे जैसे वर्षा होते गाँव। मतलब कहने का मतलब आपकी उम्र तो कुछ नहीं, जितने पुरानी ये है। हाँ, जैसी वर्षा होती है, और इस गांव में मिरुआ के पेड़ आपको 5 मिलेंगे, 150-250 साल पुराना खड़ा है। अच्छा, वो मात्र आपको काशी मिलेंगे और हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई अंकल जी, तहे दिल से धन्यवाद। और इसी वजह से एक बार भूपेन्द्र त्रिपाठी को हम बुला के ले आए थे हमें, तो वो
अटल, थोड़ा ये बताएं कि भूपेन त्रिपाठी जिनका आपने नाम लिया वो कौन है? सीडीओ साहब थे। अच्छा, व्यूवर्स नहीं जानते हैं? नहीं, वो सीडीओ साहब थे जिला के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ये गांव की सड़क चारों गिद्दी बनवाई थी, उनकी पत्नी भी आई, तो उनके बच्चे भी आए, तो उनको फिर वहाँ मेला का मतलब उनका योगदान काफी है। हाँ, उन्होंने जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं का पूरा इस गांव के लिए रोड के लिए। पुरानी बात बता रहे हैं। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क बन रही थी, उमरदा थे, उन्होंने चारों गिद्दी गाँव के सड़क बनवाई। तो अंकल जी, जो भी हमारे आपने व्यूवर्स को बताया, तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए और अपने प्यारे भाई बहनों को बताया जाए। तो धन्यवाद आप लोगों को भी, धन्यवाद जो आप मिरूर मड़ा में आए हो चल के, मेरी तरफ से और गाँव वालों की भी तरफ से। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं यही कामना करता हूं जो हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं प्रभु भोलेनाथ जी पूरी करें और उनको तरक्की दें और उनका परिवार कुशल मंगल रहे, और अपने रोहित भाई को ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहें, बस कहने का मतलब ये है। और अपने वीडियो को हम यहीं पर एंड करना चाहते हैं गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, कमेंट में लिखे भोले बाबा की जय। मिलते हैं किसी, हर महादेव की, हर हर महादेव। सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ, लल्ला आ जाओ, हर 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 महादेव। तो बस अपने वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।